एवरीवन, टुडे आई एम हियर टू डिस्कस ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन। आजकल पेरेंट्स काफ़ी परेशान हो गए हैं कि बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई है। वाई? बिकॉज स्कूल्स आर शट डाउन एंड चिल्ड्रेन टेक एडवांटेज। और वो क्या करते हैं ना, वो पढ़ाई को ध्यान कम देते हैं, दे डू नॉट पे अटेंशन टू स्टडीज एंड ड्यू टू दैट दे आर एक्चुअली फॉलिंग बिहाइंड। और पेरेंट्स काफ़ी परेशान हैं कि बच्चों को ठीक कैसे किया जाए। एक्चुअली लेट मी टेल यू, देर आर टू काइंड्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन दो तरह के होते हैं, वन इंट्रेंसिक एंड द सेकेंड एक्सट्रेंसिक। इंट्रेंसिक मोटिवेशन, यू माइट हैव केयर्ड, आपने देखा होगा कि जिनको क्रिकेट खेलना पसंद है, बैडमिंटन खेलना पसंद है, तो अपने टाइम से बच्चे खुद ही तैयार हो जाएंगे एंड देन दे विल गो टू द ग्राउंड एंड दे विल स्टार्ट प्लेइंग। कहना नहीं पड़ेगा, चिल्ड्रेन विल रिमेंबर एंड दे विल स्टार्ट डूइंग। दैट इज इंट्रेंसिक मोटिवेशन, जो कि इंटरनली खुद से आता, खुद से मोटिवेट होता है बच्चा करने के लिए। एक्सट्रेंसिक मोटिवेशंस आर क्रिएटेड बाई एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड विच आर कंट्रोल्ड बाई अदर पीपल। ठीक है, तो एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन से बच्चा अगर कर रहा है तो देर इज अ प्रॉब्लम, वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। वट वी नीड टू डू, वी नीड टू क्रिएट द इन्वायरमेंट ऑफ इंट्रेंसिक मोटिवेशन। मीनिंग, जैसे अगर हम मैथोलॉजी में जाए, है ना, द्रोणाचार्य का नाम सभी ने सुन रखा है, एकलव्य और अर्जुन के बारे में सभी जानते हैं। एकलव्य को द्रोणाचार्य ने पढ़ाने से मना कर दिया ड्यू टू बैरियर्स एंड रीजंस दैट वेरी टाइम। तो उन्होंने क्या किया, एकलव्य वॉन्टेड टू लर्न, तो उन्होंने गुरु जी की मूर्ति बनाई, कोई गुरु तो लाइफ में चाहिए ही, मूर्ति बनाई एंड देन इंट्रेंसिकली ही वॉज मोटिवेटेड एंड ही बिकेम अ ग्रेट आर्चर, एक बहुत बड़ा धनुर्धर बना। सो ही हैड इंट्रेंसिक मोटिवेशन एंड ही बिकेम अ ग्रेट आर्चर। लाइकवाइज देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु डू नॉट गेट चांस टू गो टू ग्रेट स्कूल्स or do not get chance to go to great institutes, then also they become very successful, they crack very tough competitions as well. Why? Because they are internally motivated. अब ये इंटरनली मोटिवेटेड इंट्रेंसिक मोटिवेशन आएगा कहाँ से? What I strongly believe that environment is the best teacher. सबसे अच्छा और सबसे great teacher अगर कुछ होता है तो वह है environment. Yes, so parents, you can create a very productive, informative and good environment. Like if in the family people are using derogatory words, agar koi family mein derogatory words use karta hai, bacche ko sikhana nahi padega, wo apne aap seekh lega, right? Agar ghar ka mahol aisa hai ki all talk in rough language, children will naturally begin to talk in the same way. Yes, if in the environment nobody reads the book, कोई book पढ़ी नहीं रहा है, कोई पढ़ने की बात ही नहीं कर रहा है, तो it will be very difficult to motivate the child. Yes, so point is that you need to create environment around. जैसे अगर बच्चा बड़ा है तो बच्चा खुद ही वो environment create कर सकता है, he can create environment around him, right? And then he can start studying and he will achieve success. Yes, like those who want to really learn English. So for English, he will watch English channels, he will watch English news, he will watch English stories, he will watch English speeches, and that way, or he will have to read, then he will read English books, newspapers, or all other things in English stuff only. This way he will improve in English. But what he has done, he has created an environment of English, and this way it will help him become fluent speakers or good at English. But छोटे बच्चों के साथ ऐसा नहीं है। छोटे बच्चों के साथ क्या है ना कि आपको बनाना पड़ेगा। जैसे इसमें सबसे बड़ा रोल जो प्ले कर सकती है वो मदर कर सकती है। जैसे इन एवरी एडवर्सिटी अपॉर्चुनिटी इज ऑल्सो हिडन। आज के डेट में क्या है कि ऑल आर एट होम, सभी लोग घर पर हैं, अच्छा है, यू कैन यूटिलाइज पॉजिटिवली। हाउ? लाइक नाउ वी कैन डिवोट मोर टाइम टू द चिल्ड्रेन। हम लोग बच्चों को ज़्यादा टाइम दे सकते हैं एंड वी कैन बी बेटर टीचर्स। वाई? बिकॉज वी इन्फ्लुएंस देम, वी कैन इन्फ्लुएंस देम ग्रेटली एंड वी कैन क्रिएट दैट सिचुएशन एट होम। बच्चे को अगर हर समय ऐसा इन्वायरमेंट में रखें, ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दे जैसे वो मोबाइल पर जो भी देखे वो प्रोडक्टिव हो, जिसमें उसको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, राइट? और जब भी वो बच्चा देखे तो उससे कुछ सवाल पूछे कि व्हाट हैव यू सीन, व्हाट हैव यू वॉच्ड, लेट मी नो,
राइट। और बच्चा जब वो देखे तो वो ये ना सोचे कि वो कुछ गलत कर रहा है, जैसे बार बार पेरेंट्स डांटते हैं कि क्या देख रहे हो, व्हाई आर यू वॉचिंग दिस, मत देखो ये, है ना, हर समय मोबाइल पकड़े रहता है, ठीक है। तो दिस वे इट विल गिव नेगेटिव सिग्नल टू द माइंड ऑफ द चिल्ड्रेन ऑल्सो। आई डोंट से कि बच्चा हर समय मोबाइल ही देखता रहे, आई सिंपली मीन टू से अगर वो मोबाइल देखे भी तो ऐसा देखे कि बच्चा उससे भी सीखे। यस अगर आप मान लीजिए सीरियल भी कुछ देखें तो यू वॉच सच सीरियल्स विच आर अवेलेबल नाउ वेयर चिल्ड्रेन कैन लर्न। आप घर में बुक्स का माहौल बना सकते हैं, राइट, देयर माइट बी सेवरल बुक्स, थीन बुक्स देयर फॉर द चिल्ड्रेन। जब भी खेलने का भी हो तो ब्लॉक्स के साथ खेलें, बुक्स के साथ खेलें, पेंटिंग कर लें, ड्राइंग कर लें। दिस वे व्हेन एवरी टाइम पेरेंट्स विल बी इन्वॉल्व, कभी मम्मी को टाइम मिले मम्मी, कभी पापा को टाइम मिले पापा, दिस वे द चाइल्ड विल बी ट्रेंड एंड खेल खेल में बच्चा सीखता जाएगा और पता भी नहीं चलेगा, राइट। एंड और वीडियो से भी बच्चा बहुत सीखता है, लेकिन आपको ये डिसाइड करना है कि किस तरीके का वीडियो उनको दिखाना, बिकॉज द चाइल्ड डजंट नो कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर हिम। सो आई रियली रिक्वेस्ट एवरीवन, डोंट पैनिक, अभी आपको टाइम है कि आप अपने बच्चे को ज़्यादा समय दे सकते हैं, यूज़ इट पॉजिटिवली, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू शेप द लाइफ ऑफ योर चिल्ड्रेन, राइट, इंस्टेड ऑफ टेकिंग टेंशन। थैंक यू।